नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बार SKM यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। नया सेशन जिनका सेशन है 2023-25 उनके लिए, ठीक है। ये नोटिस है आपके न्यू रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज किया है, मतलब कि जैसे कि आप हो सके ग्रेजुएशन में आपने BBMQ या BBU या किसी भी यूनिवर्सिटी या रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अब आप SKM यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ठीक है। या हो सके आप SKM यूनिवर्सिटी के ही हो लेकिन आप अपना माइग्रेशन निकाल चुके हैं तो भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं या गलती हो जाता है तो हो सके आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरने में दिक्कत हो SEM 1 का, तो मान लीजिए फॉर्म भर भी लिए तो आपका रिजल्ट में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो हो सके आपको रिजल्ट में अपना रोल नंबर ही ना दिखे, तो भले ही यहाँ पे ये कॉलेज नोटिस दिखा रहा है साहिबगंज कॉलेज के लिए, लेकिन ये अप्लाई होता है SKMU के हर एक कॉलेज पे, ठीक है। साहिबगंज कॉलेज का वेबसाइट अच्छा है, वो हर चीज़ अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे नोटिस वहाँ दिखा तो सोचा आपके लिए आपको बता दूँ। आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने हर एक दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि किसी का रजिस्ट्रेशन छूट ना जाए, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं इसे पढ़ देता हूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे दिया गया है, ठीक है। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपका। तो नोटिस को पढ़ते हैं। वैसे छात्र छात्राएं जो अन्य विश्वविद्यालय से अपना अंतिम पढ़ाई BEd, BSc, BCom इत्यादि की पढ़ाई पूरी किए हैं, उन्हें SKMU दुमका में PG में न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वैसे छात्र छात्राएं जो SKMU दुमका से अपना अंतिम पढ़ाई BEd, BA, BSc, BCom इत्यादि की पढ़ाई पूरी किए हैं और अपना माइग्रेशन विश्वविद्यालय से निकाल चुके हैं और पुनः इसी विश्वविद्यालय में PG में नामांकन करा रहे हैं, उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो आप जिस भी कॉलेज में हो, ठीक है, तो वहाँ भी आप पता कर लीजिएगा और जल्दी से करा लीजिएगा। तो वो आपको अपने विद्यालय के वेबसाइट में ये फॉर्म मिल सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट पासिंग यूनिवर्सिटी का डिटेल देना है, कोर्स नेम, फिर रजिस्ट्रेशन या माइग्रेशन का नंबर डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रिगार्ड मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। एड्रेस देना है और नीचे ही ऑफिस के लिए है। तो आप ये नोटिस सबको शेयर कर दें। अगर आप PG में न्यू एडमिशन लिए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये चैनल आपको टाइम टाइम पे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बताता रहेगा। धन्यवाद।